असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज कौन हैं? ओवैसी के कितने बच्चे हैं? ओवैसी की कुल संपत्ति कितनी है? ओवैसी की पत्नी कौन है? ओवैसी परिवार का इतिहास क्या है? असदुद्दीन ओवैसी शिया हैं या सुन्नी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में गूगल में रोजाना सर्च किए जाते हैं। हैदराबाद की सांसद की पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान है। हैदराबादी लहजे में बेबाक भाषण और मुसलमानों के हितों की वकालत ओवैसी को देश के कई नेताओं से अलग खड़ा कर देती है। बहुत बड़ी गलती की जो इन सालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार कर वापस लौट रहे असदुद्दीन के काफिले पर गोलियां चलाई गई। इसके बाद एक बार फिर ओवैसी सुर्खियों में है। तो आज तक एक्सप्लेनर की इस वीडियो में बात असदुद्दीन ओवैसी की, उनकी देश की राजनीति में पकड़ की, उनका इतिहास क्या है और उनका फ्यूचर क्या होगा। ओवैसी के राजनीति की शुरुआत जानने से पहले उनकी पार्टी AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जान लीजिए। इस पार्टी की शुरुआत जानने के लिए आपको करीब 90 साल पीछे लेकर चलते हैं। साल 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने मजलिस की स्थापना की थी और 1948 तक उनके पास इस संगठन की बागडोर रही। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह संगठन हैदराबाद को स्वतंत्र बनाए रखने की वकालत करता था। इसलिए जब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तब भारत सरकार ने इस संगठन को बैन कर दिया और उस समय इसके अध्यक्ष रहे कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में राजवी पाकिस्तान चले गए और संगठन की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वहाद ओवैसी को सौंप गए और यहां से शुरू होती है मजलिस में ओवैसी परिवार की एंट्री। 1957 में मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। इसके नाम की शुरुआत में ऑल इंडिया जोड़ा गया और इसके संविधान में बदलाव किया गया। अब्दुल वहाद ओवैसी के बाद साल 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को मिली, जो साल 2004 तक लगातार 6 बार हैदराबाद से सांसद रहे। अब सलाहुद्दीन के बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा सीट से विधायक हैं, जो अपने एक भाषण के कारण खूब विवादों में घिरे रहे थे। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी, हम भागने वालों में से नहीं है। 13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में आने से पहले लंदन से कानून की पढ़ाई कर रहे थे। लौटने के बाद साल 2004 में वो हैदराबाद से पहली बार सांसद बने और अब तक वो 4 बार यहाँ के सांसद चुने गए हैं। जब असद के पिता मजलिस की कमान संभाल रहे थे तब भी ये पार्टी उस वक्त के आंध्र प्रदेश की सीमा से जुड़े महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाकों में सक्रिय थी। लेकिन जब असदुद्दीन ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने पार्टी का एहसास कराने की कोशिश की। इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आज महाराष्ट्र में AIMIM के सांसद हैं, विधायक हैं, लोकल निकाय चुनाव में AIMIM को सीटें मिलती है, बिहार में मजलिस के पास विधायक हैं। आज दोनों ओवैसी भाइयों की रैलियों में खूब भीड़ जुटा करती है। इसके अलग भी उनके प्रशंसकों और आलोचकों का एक बड़ा वर्ग है। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से संसद के अंदर समाचार चैनलों की चर्चाओं में और राजनीतिक रैलियों में दिए गए भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जाते हैं। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।